सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। ईद मनाने वालों, ईद सिर्फ सफेद नए कपड़ों का नाम नहीं है, ईद सिर्फ इतर और खुशबू लगाने का नाम नहीं है, ईद सिर्फ आंखों में सुरमा डालने का नाम नहीं है। ईद अल्लाह अकबर, बदन पे ईद के दिन खुशबू लगाओगे थोड़ी देर का पसीना उसको बदबूदार कर देगा, लेकिन अल्लाह के बंदों की आस पूरी करके उनके दिल को खुश करोगे, माँ की आस पूरी करके, बाप की आस पूरी करके, भाइयों की आस पूरी करके, पड़ोसियों की आस पूरी करके, मुसलमानों की आस पूरी करके। अगर आप उनके दिलों को खुश कर दिया तो इंशाल्लाह जब तक दुनिया में रहोगे तब भी खुश रहोगे, कब्र के अंदर भी खुश रहोगे, मैदाने महशर में भी खुश रहोगे। लेकिन अफसोस, आज हम लिबास पर तो तवज्जो देते हैं, रिश्तों पर तवज्जो नहीं देते, लोगों के दिलों पे तवज्जो नहीं देते। इसलिए ईद इस तरह भी मनाइए, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कीजिए और लोगों की जरूरतों का ख्याल कीजिए, अपनी खुशियों में लोगों को शरीक कीजिए। और साथ ही साथ हालात बहुत तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं। नमाज इंशाल्लाह वक्त पे खड़ी करना है, बहुत लंबा खिताब नहीं करना है। हालात पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान चेहरे उतरे हुए, मायूसी चेहरों पर, परेशानियों की लकीरें कि अब क्या होगा। हालात हमारी हिमायत में नहीं बल्कि धीरे धीरे मुस्लिम मुखालफत में बनते जा रहे हैं। कहीं पर मुसलमानों की लाशें हैं, कहीं पर मुसलमानों की लुटती हुई आबरू हैं, कहीं पर मुसलमानों के जलते हुए मकानात हैं, कहीं पर मुसलमानों पे बरसते हुए डंडे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे हालात में मायूस नहीं होना, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अपना साथ कोई दे न दे, हमारे साथ अल्लाह है।